हेलो एवरीवन दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इस वीडियो में हम लोग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे इससे पहले हम लोग ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है और इस वीडियो में हम लोग जो रिकॉम्बिनेंट डी एन टेक्नोलॉजी में होने वाले जो टूल्स हैं जो यूज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि हम हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे जब हम रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी परफॉर्म करते हैं तो चलिए आइए स्टडी करते हैं देखिए टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जो हमारी मेन है वो है रेस्ट्रिक्शन एनजाइम्स मतलब रेस्ट्रिक्शन एनजाइम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमारा बेस है कि उनको हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा

आपका जो भी डी है उसको पॉलीमराइज uh, करेंगे उसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करेंगे होस्ट सेल में लाइगेज एंजाइम्स होते हैं जो दोनों डीएनए फ्रैगमेंट को लाइगेट करते हैं जोड़ते हैं दैट मींस फॉरेन डीएनए को आपके वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ते हैं दैट मींस जो आपका डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है उसको वेक्टर डीएनए के साथ अटैच करने का, का काम लाइगेज का होता है ठीक वैक्टर्स वो डीएनए होते हैं जैसे प्लाज्मिड जिनके पास अपना ओराई होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो हमारे डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में रिप्लिकेट करने का काम करते हैं ठीक है कैरी करते हैं और रिप्लिकेट करते हैं और फिफ्थ जो रिक्वायरमेंट है वो है होस्ट ऑर्गेनिज्म दैट सेल वो सेल जिसमें हम अपना डीएनए मल्टीप्लाई करवाएंगे या वो ऑर्गेनिज्म जिसमें हम अपने डीएनए का जो है एक्सप्रेशन कराएंगे या उससे जो सिंथेसिस uh, होने वाली जो है उनके बारे में uh, जो है देखेंगे ठीक है चलिए आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन जिनको हम मोलिकुलर भी बोलते हैं ठीक है मोलिकुलर सीजर क्यों बोलते हैं चलिए हम किसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं देखिए इन द ईयर 1963 थ्री uh, में दो एंजाइम्स को आइडेंटिफाई किया गया था जो बैक्टीरिया की जो बैक्टीरियो फेज है बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ये वायरस है तो बैक्टीरियोफेज का की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं या रोकते हैं ई e. कोलाई में दैट मीन्स 1963 में जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसकी ग्रोथ को ई कोलाई बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्ट करने वाले एंजाइम्स को आइडेंटिफाई किया गया था दो एंजाइम्स थे मेन पहला जो एंजाइम था वो

दूसरे कहते हैं कि जो रिप्लीकेशन है वो करने लगता है और अपनी प्रोटीन को सिंथेसिस करने लगता है जिससे नए वायरल प्रोटीन जो पार्टिकल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है ठीक है बट ये देखा गया कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया था उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स थे जो जब बैटेर फे अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है तो उसके जेनेटिक मटेरियल को रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो तभी से जो नाम पड़ा वो पड़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट मीन्स जो फेज डीएनए को कट कर देते हैं रेस्ट्रिक्ट करते हैं उनकी ग्रोथ को बैक्टीरिया में वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और जो बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को या उनका मिथाइलेशन करते हैं मिथाइलेशन किस पर्पज से होता है इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे उनको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन एंजाइम दैट मीन्स ये जो दो एंजाइम्स हैं ये बैक्टीरिया में रिलीज होते हैं

मॉडिफिकेशन सिस्टम जो है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो अपने डिफेंस के लिए जो यूज़ करते हैं वो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है जिसमें दो एंजाइम आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और मॉडिफिकेशन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन क्या करता है ये जो भी फॉरन डीएनए है उसमें पाए जाने वाले स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को रिकॉगनाइज करेगा और उस डीएनए को वहां से डाइजेस्ट कर देगा कट कर देगा जो भी डीएनए में वो सीक्वेंस होगा उसको वो क्या कर देगा डाइजेस्ट कर देगा कट कर देगा जबकि मॉडिफिकेशन टाइम क्या करते हैं वो बैक्टीरिया के खुद के डीएनए में जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं उसका मिथाइलेशन कर देते हैं जिससे जो रेस्ट्रिक्शन टाइम रिलीज हो रहे हैं जो फेज के डीएनए को ब्रेक करने डाइजेस्ट कर रहे हैं वो बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को डाइजेस्ट ना कर दें दैट मींस मॉडिफिकेशन एंजाइम बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं बाय द एक्शन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ठीक है चलिए आगे देखते हैं जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन एंजाइम सिस्टम है किसी भी बैक्टीरिया में वो उसके खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट करता है मिथाइलेशन से और डाइजेस्ट करता है फॉरेन डीएनए को

Uh, जो मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन मतलब जो enzymes होते हैं ये सबके पास अपना अपना set होता है मींस सभी बैक्टीरिया जो हैं अलग अलग species के बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं और उससे मिलते जुलते मतलब मॉडिफिकेशन एंजाइम भी होते हैं फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस

उसके साल बाद हाँ टू को जो फर्स्ट उसको किया। ये ये देखा गया कि कि जो जो हाँ है, है हमेशा को कट करता है कि पे, एक पर्टिकुलर पे एक उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस था जिसे जो सिक्स बेस पेयर लॉन्ग था दैट मीन इससे समझ में आ रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शन हैं

हाँ टू को उसका जो रिकॉग्निशन सिक्वेंस है जहां पे वो कट करता है अगर वो किसी डीएनए पे नहीं प्रेजेंट होगा तो हाइन टू उस डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करेगा उस डीएनए को ब्रेक नहीं करेगा बिसाइड हाइन टू today, आज मतलब मतलब 900, 900 तो बहुत पुराना है। से ज़्यादा जो हैं वो हो चुके हैं, उनको आइसोलेट भी किया जा चुका है। दैट मीनस कुछ बैक्टीरिया हैं जो दो या दो से ज्यादा तरह के भी रिलीज करते हैं रेस्ट्रिक्शन और वो सभी रेस्ट्रिक्शन एक डिफरेंट हैं और वहीं से उसको कट करते हैं

जैसे यहाँ पे होगा तो यहीं पे एंडोन्यूक्लियस कट कर देंगे जबकि एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं वो टर्मिनल एंड से या सिरे से कट करते हैं ठीक है तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो डी को टर्मिनल एंड से कट करते हैं जबकि एंडोन्यूक्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करते हैं चलिए आइए हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में आगे बात करते हैं वंस इट फाइंड अ स्पेसिफिक रिकॉन्शन सिक्वेंस जब भी आ, कोई रेस्ट्रिक्शन अपने स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पा लेता है

अब क्या है इसके लिए हमने आपको पे सिक्स दिए पहला एग्जाम्पल देखिए पेलिंड्रोमिक ये है कि डीएनए पे आपको पता है कि डीएनए दो स्ट्रेंड से होता है और दोनों पे पोलरिटी जो होती है वो अपोजिट होती है जैसे अगर हम ये डीएनए स्ट्रैंड बना रहे हैं तो अगर पहले स्ट्रैंड की पोलरिटी फाइव से थ्री इधर है तो दूसरे की फाइव से थ्री इधर होगी Right right तो राइट टू और दोनों, दोनों स्ट्रेंड जो होते हैं वो अपोजिट पोलरिटी पे होते हैं अब रिकॉग्निशन सिक्वेंस क्या होता है कि अगर रिकॉग्निशन सिक्वेंस फाइव से थ्री रीड करें जी ए ए

वो इस सेंटर से दूर जैसे ये ऊपर देखिए आपको दिखा देते हैं देखिए जो रेस्ट्रिक्शन है ये यहां पे कट कर रहा है यहाँ पे जी और ए के बीच में तो दूसरे स्टैंड पे भी वो जी और ए के बीच में कट करेगा ठीक है दैट मीन्स अगर जीए ए पे ऊपर कर रहा है तो जी ए पे नीचे भी कट करेगा अगर ऊपर जी जी पे कर रहा है तो नीचे भी जी जी पे करेगा ये एरोज थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो गए हैं बट वो आप आपको समझिएगा ठीक है, है तो जो होते हैं, 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 उसी में वो वो करते करते इसका रीजन है क्योंकि जब वो अवे सेंटर करते हैं और दोनों अलग होते हैं तब पे पे दोनों पे जो दोनों जो होते हैं, उनपे फ्री बेसपेयर मिलते हैं ठीक है फ्री बेसपेयर जो होते हैं वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं और वो एज अ स्टिकी होते हैं अगर इसको आपको दिखाएं तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे देखिए ये डी एन ए स्ट्रैंड है अब अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर डीएनए को कट कर रहा है यहाँ पे और दूसरे स्ट्रैंड पे यहाँ पे कट कर रहा है फॉरेन डीएनए पे यहाँ पे वही सेम रेस्ट्रिक्शन से कट कर रहे हैं और यहाँ पे कट कर, कर रहा है तो देखिए जो वेक्टर डीएनए एन एस पे एंड ऐसे बने और जो आपका फौरन डीएनए डिज़ार्ड डीएनए उस पे ऐसे बने अब इन दो एंड्स में देखिए जो येलो एरो बता रहा है ये इन दोनों जो बेस पेयर्स हैं ये फ्री हैं देखिए यहाँ पे टी टी ए ए फ्री है वहाँ पे ए ए टी टी फ्री है दैट मींस इसके सामने के स्ट्रैंड तो कट हो चुके हैं अलग हो गए हैं तो ये फ्री एंड्स बन जाएंगे ऐसे एंड्स जो होते हैं ये कहलाते हैं स्टिकी एंड्स और जो भी हम वेक्टर डीएनए को या जो भी हम डिजायर्ड जीन को कट करते हैं को तो हमेशा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं जिससे जो एंड्स बनते हैं वो सेम बनते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है जिससे हम बाद में वेक्टर डीएनए को अपने डिजायर्ड डीएनए से अटैच कर सकते हैं जिस तरीके से देखिए ये एंड और ये एंड ये देखिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे ये दोनों पास पास आएंगे और इस तरीके से दोनों अटैच हो जाएंगे दैट मीन वेक्टर का डीएनए और आपका जो डिजायर्ड डीएनए है जिसको अगर आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है तो दोनों के एंड्स कम्प्लीमेंट्री होंगे और वो इस तरीके से बाइंड हो जाएंगे इसको करेगा डी एन ए लाइगेज एनजाइम डी एन ए लाइगेज कम्प्लीमेंट्री को फॉर्ड जो है बॉन्ड बना करके इसको दोनों को अटैच कर देगा तो दैट मीन्स ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रिकॉमडेंट डी किस तरह से क्रिएट किया जाता है ठीक है रिकॉमडेंट डी का इसको हम आपको बाद में भी और डिटेल में बताएंगे

वो एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट को ही मतलब जो भी उनकी स्पेसिफिक uh, होगी जिनके लिए वो पर्टिकुलर uh, उन्हीं को रिकॉग्नाइज करते होंगे उन्हीं स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे डीएनए में विच मींस दैट डी सीक्वेंस इन बोथ द एट दिस रीड सेम दैट मीनस पेलिड्रोमिक की अभी हमने बात बताई आपको कि जो पेलिड्रोमिक सिक्वेंसिस होते हैं वो अगर हम सेम पोलरिटी पे रीड करते हैं अगर फाइव से थ्री रीड कर रहे हैं तो दूसरे स्टैंड पे भी अगर हम फाइव से थ्री रीड करते हैं तो वो सिमिलर रीड होंगे जैसे देखिए यहाँ पे अगर फाइव से थ्री रीड करते तो जी जी ए टी सी सी अगर इधर नीचे स्टैंड करते हैं जी जी ए टी सी सी ये जो होते हैं ये पेरमिक सिक्वेंसेज होते हैं जो रेस्ट्रिक्शन डो न्यूक्लियस एंजाइम ज्यादा यूज होते हैं उनमें तीन मेन क्लासेज हैं आपकी टाइप वन रेस्ट्रिक्शन डो न्यूक्लियस टाइप टू एंड टाइप थ्री जिनमें से टाइप टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं क्योंकि वो डीएनए को जो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करते हैं वो सीक्वेंस जो होता है वो टिपिकली फोर टू तो एट बेस पेयर्स का होता है जो बहुत ही कम्फर्ट होता है मतलब कम्फर्टेबल है बहुत ही लेंदी सीक्वेंस नहीं होता है और ये बहुत ही कॉमन सीक्वेंस है इसीलिए सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो टाइप टू होते हैं आगे बात करते हैं देखिए रेस्ट्रिक्शन आर देखिए रेस्ट्रिक्शन का नेम तो आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन क्यों पड़ा अब जितने भी रेस्ट्रिक्शन हैं जैसे हम हाइन टू देखते हैं इको आर वन देखते हैं इनका जो नेमिंग होती है रेस्ट्रिक्शन की वो उन बैक्टीरियल स्पेश के नेम के बेसिस पे होती है जहां से वो आइसोलेट किए जाते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक कैसे हम रेस्ट्रिक्शन का नोमेनक्लेचर करते हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया जैसे इको आर वन देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट कैपिटल लेटर है अगले दो स्मॉल हैं, फिर एक कैपिटल लेटर है फिर एक रोमन नंबर है, है तो देखिए जो पहला कैपिटल लेटर होता है वो रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है को। ये उस बैक्टीरिया के जीनस को रिप्रेजेंट करता है जहां से ये एंजाइम आइसोलेट किया है अगले दो जो स्मॉल लेटर्स हैं वो उसके स्पेशि को करते जैसे कोलाई है तो सीओ आर जो होता है जो आपके फर्स्ट थ्री अभी अल्फाबेट बताए थ्री जो अल्फाबेट है और वो वो को बताते हैं और जो कैपिटल आर है वो इसके स्ट्रेन को मतलब उस बैक्टीरिया के ईकोलाई के स्ट्रेन को बताता है कि स्ट्रेन इस, इस जो है वो आर वाई थर्टीन है तो आर वाई थर्टीन से आर हो गया है और जो रोमन नंबर है वन ये इंडिकेट करता है कि वो पहला ऐसा जो उस स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट किया गया है आइसोलेट किया गया है, अगर है तो सेकेंड नंबर पे आइसोलेट किया गया होगा इको आर वन ये स्क्रेशा कोलाई के आर वाई स्ट्रेंथ आर वाई थर्टीन से फर्स्ट जो है आइसोलेट किया गया इसलिए इको आर वन है ये ठीक है तो रोमनोम जो होता है वो इसी तरह से होता है

जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं इनको रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं जो हर एंजाइम के लिए जो होती है वो स्पेसिफिक होती है ठीक है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा तो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो इंट्रोडक्शन है उसको हम यहीं तक बात करेंगे आज और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो इसको जरूर वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए इस वीडियो को तो इसके आगे का जो पार्ट है ये जो चैप्टर है ये कई पार्ट में बनेगा क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर है और इसको डिटेल में हमें डिस्कस भी करना है ठीक है एक्सप्लेनेशन इसमें ज़्यादा है तो तब तक लिए फिर वेट करिए नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत जल्दी आएगा थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा